हजार चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की आयु 700 वर्ष ऐसे बने हुए वर्ष और श्री शंकर जी की विष्णु जी से 7 गुना अधिक यानी 4900 वर्ष श्री शिव जी की शंकर भगवान की आयु इन तीनों की ऐसे मृत्यु होगी। और 70,000 बार जब ये त्रिलोकीय शिव ये काल का पुत्र तमोगुण शिव की मृत्यु हो लेगी तब एक बार मृत्यु होगी इस काल की ब्रह्म की जो एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक के ऊपरी छोर में रहता है सरोपरी छोर पर रहता है और वहाँ भी ये तीन रूप धारण करता है एक रूप ब्रह्मा जी का दूसरा विष्णु जी का तीसरा शिव जी का। वहाँ जब ये शिव जी रूप में रह रहा है वहाँ जब शिव रूप में इस काल की सदा शिव काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी उस समय 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव मर लेंगे। और फिर इसका जन्म कैसे होता है दुर्गा की भी मृत्यु होगी एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। ये फिर सारे के सारे प्राणी यहाँ के ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं और परमेश्वर कबीर जी के वचन अनुसार इनको वचन दे रखा है इनको एक ऐसी आशीर्वाद दे रखा है कि दुर्गा और इसके काल का दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही युवा शरीर बन जाता है इसका अपने आप प्रकट हो जाते हैं दोनों का जन्म हो जाता है और ये युवा होते हैं फिर ये उसी प्रकार कुछ मैथुन तरीके से सृष्टि की रचना करते हैं और कुछ दुर्गा अपने वचन से उत्पत्ति करती है ऐसे फिर दूसरे ब्रह्मांड में ये सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो पुण्यात्माओं जो एक बार एक ब्रह्मांड का विनाश होता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो जाती है तब एक युग होता है किसका इस परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का जो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक स्वामी पुरुष है और इसकी 1,000 युग का दिन 1,000 युग की रात ऐसे बने हुए युग कि 1,000 युग की नोट चतुर्युग इसमें चतुर्युग नहीं है ओनली युग 1,000 युग का दिन 1,000 युग की रात्रि ऐसे 30 दिन और रात का एक महीना 12 महीने का वर्ष और ऐसे 100 वर्ष की आयु है किसकी अक्षर पुरुष की और फिर इसकी मृत्यु होगी। ओहो एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी क्योंकि क्योंकि आपको न तो तत्वदर्शी संत मिले और ना वो सतगुरु मिले। सतगुरु लग्या न कान न भेंटे संतरे तो पुण्यात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा भी जन्म होता है तेरे भी जन्म मृत्यु होती है तू नहीं जानता मैं जानता हूं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। जन्म तो ऐसे अलौकिक है कि यहां इसकी मृत्यु होगी दूसरे ब्रह्मांड में जाते ऑटोमेटिक ये युवा रूप में उत्पन्न हो जाता है उस परम अक्षर ब्रह्म के आशीर्वाद अनुसार। और
कर्म कैसे अलौकिक हैं, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह और सारा नाश करा गया, यह बोल के गीता डरा के श्री कृष्ण को और युद्ध करवा दिया। श्री कृष्ण जी भी नाटे, अर्जुन भी नाटे, अर्जुन को डरा कर श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने जो खा दी भयंकर रूप, और उसके अंदर जब तक श्री कृष्ण में प्रवेश रहा तब तक प्रवेश रहा जब तक महाभारत कति सारा नाश ना हो दिया, फिर उससे निकल गया। इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं। पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना बहुत आसान है, लेकिन हमारे हृदय में जो पहले का ज्ञान समाया हुआ है वो कोरा अज्ञान है, वो इस यथार्थ ज्ञान को अब टिकने नहीं देता कुछ दिन। लेकिन इस ज्ञान में इतना वजन है, ये अपने आप स्थान बनाता चला जाएगा और वो अज्ञान आपका बाहर निकल जाएगा। पुणात्मा, मनुष्य जीवन इस प्राणी को केवल परमात्मा पाने के लिए ही प्राप्त हुआ है। आज दिन के सत्संग में आपको बहुत से ऐसी घटनाओं से परिचित कराया गया कि यदि आप बहुत गहराई से सोचोगे तो आप जी का मन अपने आप भक्ति को ग्रहण कर लेगा। इस मन को जब हम यहाँ के यथार्थ कष्ट से और यथार्थ स्थिति से परिचित करा देंगे तब इस मन की जो दिशा है वो बदल जाएगी और इसकी गति बहुत तेज है। फिर ये परमात्मा की भक्ति भी इतनी ही स्पीड तय करेगा जितनी स्पीड तय यो बकवाद करता है। अब ये आत्मा को भ्रमित रखता है, आत्मा को ये कष्ट देता रहता है, डराता रहता है, तेरा नुकसान हो जाएगा, तुझे ऐसा लाभ हानि हो जाएगी, तू वहाँ से गया तो देवता छोड़ दिए तो तुझे ऐसे हानि हो जाएगी। इन देवताओं के पूजते पूजते सर्वनाश को प्राप्त हुआ। कल आज सुबह एक परिवार का आपको उदाहरण दिया था और एक नहीं असंख्य परिवार है जो इन देवी देवताओं की पूजा करते करते विनाश को प्राप्त हो गए। और इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद यदि आप मर्यादा में रहोगे और सच्ची लगन लगाए रखोगे, इस काल का अटैक आप पर हो नहीं सकता, ये दास गारंटी दे सकता है। यदि आपने परिवार की सुरक्षा भी चाहिए, आपने या जीवन का सत्र भी ठीक चाहिए, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं जैतन राज पाठ भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। यदि तुझे डड़े ढोण की आदत ही है और यहाँ की तन राज पाठ चाहता है तो वो भी हम दे सकते हैं, तेरे भाग में ना होगा तो भी लिख देंगे, लेकिन हम साथ में इनके इसके अवगुण भी बता रहे हैं। सर्व सोने की लंका होती रावण से रण धीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुके सागर बसरे भाई और ना ऐसा यस रे। कहते तू यहां इस झूठे लोक में क्या यश प्राप्त करना चाहता है, यदि तू चाहता हम एक कोठी बढ़िया बना लो, मेरी महिमा हो जाएगी, एक लंबी कार ले लूं, लोग देखेंगे मेरे कान्या, ये लोग तो उस दिन भी देखेंगे जब तेरी चटनी हो जाएगी एक्सीडेंट में, वो भूल गया तू। हम नो भूल के गलती करते हैं और परमात्मा में याद दिलाई जाती है कि ये महापुरुषों ने हमें उदाहरण दिए हैं, ना जाने काल की कर डारे और किस विद ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानू केड़ा हासावे। अब हम इतना ज्ञान समझते हैं, इतना ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया और इस दास ने भी कसर नहीं छोड़ रखी आपको टू दी पॉइंट उदाहरण दे दे के आपके हृदय में इसी चोट मारी जाती है कि ये बज्र जो आपके अंदर जमा हो गया अज्ञान, ये हट जावे तब ये भक्ति प्रवेश होगी। आप प्रतिदिन देखते हो कैसे दुर्घटना में
एक परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं डर बनता कि यह बात तो हमारे साथ भी कभी हो सकती है, सपने में बिना याद आती है बातें। तो ये जब तक याद नहीं आवेंगी, या लल्लो पत्तों की भक्ति है आपकी, ठीक है जैसा कर रहे हो इसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओगे। और पुण्यात्मा यहाँ जो प्राणी आता है उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए, और बाकी क्या संसारिक सुख तो भगवान कोई बालक नहीं, उसको पता है। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन और थिएटर में आप आए गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अब उसने सारा पता है इस मरीज को किस समय के आहार देना है और के इसको आवश्यकता है किस वस्तु की, कैसी टेबलेट इसको देनी है। तो जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, उस परमेश्वर को हमारा सारा ज्ञान हो है कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। पुणात्मा जिस श्रद्धालु ने 2 वर्ष 3 वर्ष इस परमात्मा के चरणों में लगे हो चुके हैं, वो खूब परिचित है इस मालिक की महिमा से। एक नहीं वो 20-20 गुण गिना देगा उस मालिक के कि मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया। जो आम जनता को बताओगे तो वो मानने को ना आपने झूठा बताएंगे, लेकिन परमात्मा ऐसी लीला किया ही करते हैं। तो फिर आपने फिर डर कैसा, फिर आप जब परमात्मा की शरण में आ ही गए हो तो मोक्ष उद्देश्य रखना। साई इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे हैं अतिथि न भूखा जावे। इससे अधिक डिमांड करना फिर करता है जो पुरानी, तो उसको ज्ञान नहीं भक्ति का, अभी तक वो बालक ही है। कोई बात नहीं, चलते रहो। अब यहाँ प्राणी अत्यधिक 60% कहूँ या 80% कहूँ, वो प्राणी आते हैं जो कति दुखी और सारे तो छक लिए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, देवी देवता ने देही तोड़ ली, तब यहाँ आते हैं। और उनका उद्देश्य केवल सुख ही प्राप्त करना होता है, संकट निवारण कराना ही होता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो ये फ्री में होगा आपका, ये तो फ्री में होगा, ये तो हम सौदा ही नहीं करते, ये तो हमारी दुकान में यो तो वैसे दिया करा फ्री में। और हम वास्तविक जो सौदा करते हैं, जो माल बेच रहे हैं, वो तो मोक्ष रूपी हीरा है। उसके साथ अन्य छोटे मोटे आइटम वैसे दे दिया कर ग्राहक को, ये इतनी कीमती चीज बेचने वाला, तो आपको जो सुख यहाँ का सुख चाहिए ये तो फ्री में देंगे, औरों से गणा देंगे। वो तो आपके प्रारब्ध में संकट को भी निटाल सकता है, या संकट टलेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म एक श्वास नहीं बढ़ा सकता एक भी। जैसे भक्त प्रसन्न करते हैं प्रारंभ में, जब ये दास भी इस मार्ग पर लगा मन में संशय आया करती थी कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आर्य से 2 भाग कराकर उसकी मृत्यु होगी थी, उसके बाद जीवित कर दिया। तो भक्त प्रसन्न करता है कि क्या वो भगवान नहीं जिन्होंने इतना चमत्कार दिखा दिया। पुण्यात्माओं ये नहीं कहा कि इनमें कोई पावर नहीं है, ये भी स्वामी हैं, मालिक हैं, भगवान हैं। इनकी क्षमता से आप परिचित हो जाओगे तब ये बातें मन में ना आवें। अब श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र तावर ध्वज को जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो चक्रव्यूह में मृत्यु को प्राप्त हुआ। पांडवों की और संतान भी नहीं थी, कुलनाश हो रहा था, और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडवों में हाहाकार मचा था, श्री कृष्ण की आंखों में आंसू टपक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि उसका प्रारब्ध
अभिमन्यु की आयु मनुष्य की इतनी ही थी।